यानी क्या ये देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री ऊपर या शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग ऊपर। प्रसाद सर से हम यही करेंगे सर, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं सर, बहुत दूर से आए हैं, रांची से आए हैं हम, प्लीज़ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांग करें, खासकर के पाठक सर से मांग करें कि कम से कम मुख्यमंत्री जी की बातों का वैल्यू समझिए। अगर यहाँ से भी बात नहीं पहुँचेगी तो हम लोग रोड पे उतर जाएंगे। रोड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग है सर, और कुछ भी नहीं है। या तो नीतीश कुमार जी किसी बात का संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं किसी व्यस्त कारणों की वजह से, पर हमें अभी भी उम्मीद है। देखिए अभी हम मौजूद है पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड पर, और यहाँ पर तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बीपीएससी ग्रेड 2.0 के स्टूडेंट, इनका साफ तौर पर कहना है सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट जो नीतीश कुमार ने भी गांधी मैदान से आह्वान किया था कि सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है 2.0 का वो निकलेगा, लेकिन 6 दिन के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी होता है कि सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो अब नहीं निकलेगा। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, लोगों से जानेंगे क्या दिक्कत हुआ। नीतीश कुमार तो बोल दिए थे कि रिजल्ट निकलेगा सप्लीमेंट्री वाला, अब शिक्षा विभाग कह रहा नहीं निकलेगा। यही तो आश्चर्य लगता है कि एक मुख्यमंत्री के बात को कैसे उनके अधिकारी काट सकता है, जब मुख्यमंत्री आदेश दे दिए हैं, वो कह दिए हैं, फिर अधिकारी कहाँ से हिम्मत इतनी आ जाती है अधिकारियों, क्योंकि उनकी बातों को टाल दिया जाता है। अधिकारियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, नीतीश कुमार बोले कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट निकलेगा, लेकिन अधिकारी 6 दिन बाद यह लिख देते हैं कि नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो नहीं आने वाला है। कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, हमको तो यही लग रहा है। तो क्या कहिएगा अतुल प्रसाद जी से, क्या कहिएगा? अतुल प्रसाद सर से हम यही करेंगे सर, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं सर, बहुत दूर से आए हैं, रांची से आए हैं हम, प्लीज सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। आप रिक्वेस्ट करिए कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। जी क्या उम्मीद है? उम्मीद है तभी आए सर। उम्मीद कहाँ से आए आप? रांची से आए। और कुछ लोग उनसे मत, आप कहाँ से आए? हम तो पटना से हैं सर। पटना से। अच्छा पटना से जी। क्या उम्मीद करती है आप इस सरकार से और शिक्षा विभाग? देखिए हम तो उम्मीद करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, इसी उम्मीद से सारे बहने सब लोग आए, कोई रांची से आए, मतलब कोई दरभंगा से आए, कोई दिल्ली से भी आई, मतलब इतने दूर दूर से, कहें एक छोटी सी बच्ची ले के भी आई है महिला, इतना कष्ट करके आई है, विश्वास करके आई है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। और विश्वास क्यों ना हो, क्योंकि अतुल जी का ही तो ट्वीट था, अतुल सर का ही तो ट्वीट था ना कि बच्चे अस्वस्थ हो जाए हमारा काम चल रहा है। तो हम लोग कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा लेकिन वो नहीं निकला, कहा गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा लेकिन वो नहीं आ रहा। नीतीश कुमार जहाँ तक कहे थे गांधी मैदान में भी खड़े होकर उन्होंने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आएगा, लेकिन 6 दिन बाद पता चलता कि नहीं आएगा। देखिए ये तो बड़े दुख की बात है ना कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री बोलते हैं गांधी मैदान से और 6 दिन के बाद उनके अधिकारी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, यानी कि अब ये देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री ऊपर या शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग ऊपर। तो हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं नीतीश कुमार जी से कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दीजिए और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जो टकराव है, सामंजस्य की कमी है, उसको दूर कहिए हो करे वो लोग मिलके और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी किया जाए। क्या लगता है मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा पावर वाला हो गया क्या अधिकारियों? अब देखिए ऐसा अगर होगा तो वही लगेगा ना, ये तो दिख रहा है ना कि 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं और 16 तारीख को शिक्षा विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो ये तो मुख्यमंत्री की बातों की अवहेलना हो गई। तो हम तो मांग करें कि कम से कम शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांग करें, खासकर के पाठक सर से मांग करें कि कम से कम मुख्यमंत्री जी की बातों का वैल्यू समझिए और उनकी बातों को रखिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी करने के लिए बीपीएससी को लेटर भेजिए। और बीपीएससी से भी हम आग्रह कर रहे हैं, अतुल प्रसाद सर से भी आग्रह कर रहे हैं कि आपसी तालमेल सब लोग बिठाइए और हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी करवाइए। आखिर कहाँ चूक हो रही है सरकार से या नीतीश कुमार से या शिक्षा विभाग से, कहाँ चूक हो रही है? ये तो हम लोग को नहीं मालूम कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग अतुल प्रसाद जी की बातों को लेकर यहाँ पे इंतजार में थे, लेकिन 19 के लेटर को शिक्षा विभाग से जो 19 को लेटर मिला उसके बाद से हम लोग मतलब रोड पे आज निकले हैं, रोड पे भी आज निकले हैं, वो भी अभी हम लोग एक ग्राउंड में इसलिए एकजुट हुए हैं ताकि कि हम लोग अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सके। 2 दिन से शिक्षा विभाग गए थे, वहाँ से कुछ नहीं पता चला, उसके बाद आज यहाँ पे। अगर यहाँ से भी बात नहीं पहुँचेगी तो हम लोग रोड पे उतर जाएंगे, बिल्कुल वो हड़ताल भी करेंगे जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आ जाता है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बिल्कुल, जब तक लिखित रूप से हम लोग को कुछ नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन रोड पे करते रहेंगे। क्या कहिएगा अतुल प्रसाद जी से, कुछ उम्मीद है? जी सर उम्मीद है, तभी आए हैं सर, उम्मीद है। मांग करिएगा बस सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग है सर, और कुछ भी नहीं है। चलिए और कुछ लोग उनसे भी हम बात कर, क्या कहिएगा भैया क्या दिक्कत हो रही है? पहले तो आपकी न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात को उठाने के लिए। सर हमारे साथ अन्याय हो रहा है और ये सब जो भी समझदार इंसान जो इस बात को समझ पा रहा है। अन्याय कौन कर रहा है सर, कौन कर रहा है यही पता नहीं चल पा रहा है, पर हाँ कुछ तालमेल तो है जो गड़बड़ है जिस कारण से शिक्षा विभाग बीपीएससी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 13 तारीख को गांधी मैदान से बोला गया था कि जारी किया जाएगा, शिक्षा विभाग ने बोला था कि जारी किया जाएगा, हमें रिजल्ट चाहिए,
और हमारे माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा भी ट्वीट किया गया था कि वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो सर फिर क्या तालमेल गड़बड़ा है ये हमें तो नहीं पता है, पर हम नीतीश कुमार से बड़े उनके अधिकारी हो गए हैं क्या सर? या तो नीतीश कुमार जी किसी बात का संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं किसी व्यस्त कारणों की वजह से, पर हमें अभी भी उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी सर, ऐसे ऐसे हमें नहीं छोड़ा जाएगा। अभी भी उम्मीद है कि हमारी बातों को सुनी जाएगी, हमें ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा। इनका साफ तौर पर कहना का शिक्षा विभाग से हमें जो है और नीतीश कुमार से पूरी उम्मीद है, और लोग लगातार नारे लगा रहे हैं कि जो ये रिजल्ट हो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको जारी करना होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।